नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। संपत्ति के लालच में रिश्ते का हुआ खून, चचेरे भाई ने उतारा मौत के घाट। राजधानी लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र में संपत्ति का लालच रिश्तों पर भी पड़ गया भारी। बीते बुधवार को मलियाबाद कोतवाली की चौकी कसमंडी के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढकवा के मजरा रामनगरा निवासी रामविलन पुत्र जवाहर लाल उम्र लगभग 25 वर्षीय, जिसका शव बागों में वाजिद नगर व भदवाना की सूखी नहर में पड़ा था। पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए चचेरे भाई सहित दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अंकुल यादव, नागेंद्र यादव, सचिन पासी ग्राम रामनगर ढकवा को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए ये बताया कि रामविलन के परिवार में कोई नहीं था। वह अपनी जमीन को बेचकर काफी रुपया इकट्ठा कर लिया था, जिस रुपए व संपत्ति को हड़पने के लिए तीनों आरोपियों ने कूट रचित कर गमछे से गला कस कर हत्या कर शव को वाजिद नगर नहर के पास फेंक दिया था। आपको बता दें, उसकी जेब से 4200 रुपए निकाल कर आपस में बांट लिए थे। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की चप्पल, पर्स, मोबाइल व हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में मलियाबाद क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक चिरंजीव मोहन, SI प्रवीण कुमार, SI सचिन कुमार, हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश मिश्रा, रजनीकांत व मलियाबाद सिपाही अंजू देवी द्वारा मृतक के चचेरे भाई पर संदेह होने के आधार पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या उद्देश्य है? थाना मलियाबाद क्षेत्र में रामनगरा ग्राम कसमंडी कला क्षेत्र पड़ता है, जहां पर एक मृत अवस्था में राममिलन नाम का व्यक्ति पाया गया था। उसकी पोस्टमार्टम और पंचनामा कराया गया और पुलिस इसकी छानबीन भी लगी हुई थी, क्या कारण हो सकता है, नहर के पास कैसे मृत अवस्था में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी स्ट्रेंगुलेशन लिख के आया, इसे इसका मतलब इसको मारा गया, इसका गला दबा गया। पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई कि कौन व्यक्ति हो सकता है इसमें। हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम सभी सक्रिय होकर कसमंडी चौकी इंचार्ज सचिन, पूर्ण चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह, प्रभारी निरीक्षक सभी लोगों ने रामनगरा गाँव में बिल्कुल कैंप किया और अगले दिन हम लोग को सुराग मिल गया। इसमें मृतक के चचेरे भाई अंकुल, उसी गांव का नागेंद्र उर्फ नंदा जो पूर्व में भी जेल गया था हत्या के सिलसिले में ही, और एक अन्य लड़का सचिन, तीनों ने मिलकर के प्लैंड तरीके से उसकी हत्या। सर, हत्या करने का उद्देश्य क्या था? हत्या करने का एकमात्र उद्देश्य इनके पास था, चूँकि राममिलन अपनी जमीनों को बेच रहा था, उसके न पिता है, न माता है, न भाई है, न बहन है, तो अपनी ज़मीनों को बेच करके वो डेली पर डे किसी किसी एक साथी को शराब पिलाता था। 1500-2000 रुपये की शराब पीते थे, लोग मुर्गा खाते थे, और कहीं पर भी उसे जुआ खेलने का अगर मौका मिलता था तो वो भी खेलता था। इस बात को लेकर के इन सब ने प्लान किया कि इसके पास काफ़ी पैसा है, इसको मारने के बाद पैसा ही लोग देना चाहते। यद्यपि उस दिन उसके जेब से मात्र 4200 रुपये ही प्राप्त हो पाएंगे।